इस दौरे में अकेला कोरोना ही लोगों को भयभीत नहीं कर रहा। एक अन्य चीज जो सबको और खासकर सरकारों को डरा रही है वह है फेक न्यूज़, यानी फर्जी खबरें। इनका आतंक इतना है कि यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक को इन पर लगाम लगाने के लिए कहना पड़ा। और जब सरकार को अपनी सारी ताकत संक्रमण से लड़ने में लगानी थी, तब पिछले सप्ताह वह फर्जी खबरों का खंडन करती नजर आई। लेकिन यह सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया की बीमारी है, बल्कि जब से कोरोना वायरस का संक्रमण पश्चिमी देशों में फैला है, वे इसके साथ ही फर्जी खबरों से भी खासे परेशान हैं। वहां भी भारत तरह-तरह के इलाज बताने वाली समस्या के लिए कुछ खास तबकों को दोषी ठहराने की खबरें जारी हैं। साथ ही कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो बड़ी हस्तियों को खासा परेशान कर रही हैं। इनमें फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डियो से लेकर पॉप तक के कोरोना संक्रमित होने की खबरें शामिल हैं। भारत की तरह ही दुनिया भर में कुछ वेबसाइट और अखबार इनकी पड़ताल और तथ्यगत खंडन के लिए नियमित कोशिश करते रहते हैं। लेकिन फर्जी खबरों का उत्पादन जिस बड़े स्तर पर हो रहा है, खंडन की उनकी क्षमताएं उसके सामने छोटी पड़ जाती हैं। इस समय दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में या तो घोषित रूप से लॉकडाउन है, या फिर आवागमन और व्यावसायिक गतिविधियां सीमित ढंग से चल रही हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग घर में बंद हैं और वे अपना काफी समय इंटरनेट की विभिन्न वेबसाइटों, खासकर सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं। अगर हम भारत के ही आंकड़ों को देखें तो इससे अच्छी तरह समझा जा सकता है। अध्ययन बता रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद से देश के लोग अब सोशल मीडिया पर 87% अधिक समय बिता रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार पहले लोग सोशल मीडिया पर प्रतिदिन औसतन 150 मिनट का समय बिताते थे, अब यह समय बढ़कर 280 मिनट प्रतिदिन हो गया है। इसके हिसाब से भारत में 75% लोग इसमें से अपना ज्यादातर समय फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर बिताते हैं। तकरीबन यही हाल बाकी दुनिया का भी है। समय बिताने के लिए फिलहाल लोगों के पास यही सबसे अच्छा तरीका भी है। दूसरी तरफ फर्जी खबरें चलाने वालों के लिए भी यही सबसे अच्छा मौका है, जब लोगों तक सबसे आसानी से पहुंचा जा सकता है। संकट का समय हमेशा से ही ऐसा दौर माना जाता रहा है, जब अफवाहों और षड्यंत्र के सिद्धांतों का बोलबाला हो जाता है। लोगों के पास पुख्ता जानकारियां कम होती हैं, जबकि भय और आशंकाएं बहुत ज्यादा। ऐसे में वे कई तथ्यहीन चीजों पर विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज ढूंढने में लगे हैं। उम्मीद है कि वे 1 से 1.5 साल के भीतर इसकी कोई वैक्सीन भी तैयार कर ही लेंगे। लेकिन ऐसी कोई उम्मीद फर्जी खबरों के बारे में नहीं बन रही है। हम रोगाणुओं, विषाणुओं का इलाज तो आमतौर पर थोड़ी कोशिशों से ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन वे समस्याएं जो मानवीय सामाजिक व्यवहार से उपजती हैं, उनका इलाज अक्सर नहीं मिल पाता। और फर्जी खबरें तो ऐसी समस्या हैं जिनके लिए ऐसी बड़ी कोशिश भी नहीं हो रही। महामारी के कष्ट बहुत बड़े हैं, जिन्हें फर्जी खबरें और भी ज्यादा बढ़ा रही हैं।